हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 जो आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो फोर्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, एक तो पॉइंट आपको लिखवा दिए थे, थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच अपोज मोशन इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। जो हमारी मोशन को, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं और हमारे मोशन में जो अपोज अपोज करे, मतलब जो उसको रोकने की कोशिश करे, उसको होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप जब ब्रेक का यूज करते हो, ब्रेक लगाते हो, उसमें क्या यूज करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ब्रेक वर्क करेंगे। ऐसे ही हमारे शूज के अंदर, सब के अंदर क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स के काम करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का काम वर्क करते हैं। उसी की वजह से हम अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स लगता है, उसी की वजह से। अदरवाइज हम क्या होगा, अगर फ्रिक्शनल ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, तो हम फिसल जाएंगे कहीं पर भी, हम चल ही नहीं पाएंगे। इसी टाइप से बाइक रुकेगी नहीं, फिर दिक्कत होगी उसमें। टायर भी उस टाइप से पॉइंटेड दिए जाते हैं क्योंकि जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर, अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है, ओके, एयर अपोज अप्लाइड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, फोर्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स लगाती है एयर, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। जैसे आप कभी साइकिल चला के लेके जाना और हवा जंगल की हो रही चल रही होगी ना, उधर से मूव कराना, उसमें क्या होगा, उसमें ये दिक्कत होगी कि हमारा जो एयर रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से हमारी साइकिल को चलन में प्रॉब्लम होगी, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अ बॉडी रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा मूव ही करती रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ओके, फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या कहता है? अगर कोई बॉडी मूव करे तो मूव करती रहेगी, और अगर उसको रेस्ट में है रेस्ट करती रहेगी, जब तक आगे थोड़ा सा समझो, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कराया जाए, ना करे। अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे तो वो बॉडी जैसी थी वैसी वैसी क्या होगी, चलती रहेगी तो चलती रहेगी, अगर स्टॉप है तो स्टॉप ही रहेगी, अगर वो रेस्ट पोजिशन में तो रेस्ट पोजिशन में रहेगी, और अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ओके, ये आप नोट कर लेना। ओके, नोट को क्या, जब आपके ये सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसलिए वर्क करेंगे जिससे कि आप फेयर भी अच्छे से बना सको। ओके, तो आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट जो कल दो पॉइंट लिखा था उसके आगे थर्ड पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्थ पॉइंट आपका एयर रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, न्यूटन थर्ड सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ हम आपको कल बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।